गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है ग्रुप कम्युनिकेशन। इस लेक्चर के अंतर्गत हम जानेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन किसे कहते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रुप है क्या, ग्रुप कम्युनिकेशन किसको कहते हैं। एक ग्रुप इज बेसिकली एन असेंबलीज ऑफ पीपल, यानी एक ग्रुप एक समूह होता है किसका, लोगों का। जब हम लोगों को एकत्रित कर देते हैं तो उसे हम ग्रुप बोलते हैं, यानी समूह बोलते हैं। तो जब लोगों को एक जगह एकत्रित कर दिया जाए किसी पर्पस से, वो ग्रुप कहलाता है, यानी लोगों का एकत्रित होना। बेसिकली इट कैन बी अंडरस्टूड एज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स टू ऑल। हाँ, इसे हम समझ सकते हैं एक कलेक्शन किसका, इंडिविजुअल इंडिविजुअल लोगों में, यानी व्यक्तिगत लोगों में। दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं, वो कम टुगेदर जो साथ साथ आते हैं एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेशन करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एज सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और संस्था के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक लोग ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं ताकि वो संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, उसे हम ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आखिरकार हमें संस्था के अंतर्गत, ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ग्रुप की आवश्यकता क्यों होती है, इसका क्या महत्व होता है। नंबर वन, फिलिंग इन गैप्स इन मैनेजर्स एबिलिटी। जो हमारा मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी जो एबिलिटीज होती है, उसके जो गुण होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें गैप पाया जाता है। लेकिन ग्रुप जिस कम्युनिकेशन के आधार पर हम मैनेजर्स की एबिलिटीज के गैप्स को फिल कर सकते हैं। द बेस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन इज दैट इट वर्क्स टू फिल द गैप्स इन मैनेजर एबिलिटी। सबसे जो बेस्ट इंपॉर्टेंस होती है हमारे होता है ग्रुप कम्युनिकेशन का, वो होता है कि मैनेजर की जो एबिलिटी, जो गुण होते हैं, उसकी गैप को, उसकी कमी को फिल कर देता है, निकल के काम करता है। सपोज द मैनेजर फॉरगेट्स टू इन्फॉर्म समथिंग। अगर अनुमान कीजिए कि मैनेजर किसी भी इंफॉर्मेशन को फ्लो करने में भूल जाता है, ये फ्लो नहीं कर पाता, ये जानकारी नहीं दे पाता, इट कैन बी इन्फॉर्म बाई द अदर मेंबर। तो ये कि ग्रुप के जो दूसरे सदस्य होते हैं उनके द्वारा इस इंफॉर्मेशन को इन्फॉर्म किया जा सकता है, इट कैन बी। ओके, सॉल्विंग वर्क प्रॉब्लम्स। अनडाउटेडली व्हेन मेनी पीपल वर्क टुगेदर प्रॉब्लम्स मे अकर, बट द सॉल्यूशन आल्सो कम्स आउट फ्रॉम दैट। हम दूसरा ग्रुप कम्युनिकेशन का फायदा ये भी होता है, इम्पोर्टेंट होती है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। निसंदेही जब बहुत सारे लोग साथ साथ मिलकर के काम करते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम्स भी अगर होती हैं क्रिएट होती हैं, लेकिन उनके साथ साथ अगर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है तो उन्हीं ग्रुप कम्युनिकेशन के आधार पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेते हैं। बेटर का कोऑर्डिनेशन, हम एक अच्छा सामंजस्य बना सकते हैं। ग्रुप मीन्स टीम वर्क। ग्रुप का मतलब होता है कि हम टीम वर्क, यानी हम मिलकर के काम करते हैं। विदाउट बेटर कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल। और टीम वर्क तभी पॉसिबल होता है जब हमारे बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा सामंजस्य होता है। जब लोगों के बीच अच्छा सामंजस्य नहीं होगा तो वहाँ पर टीम वर्क अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकती। नेचुरली इट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ बेटर कोऑर्डिनेशन। इस तरीके से ये ग्रुप कम्युनिकेशन है वो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन की क्वालिटी को बढ़ाता, उसके गुण को बड़ा, तो उसकी महत्व को बढ़ा देता है। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। एक ग्रुप इज ए चैनल ऑफ इंटरेक्टिंग एंड शेयरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर। ग्रुप कम्युनिकेशन एक प्रकार का चैनल, एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया जहाँ पर हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह हम शेयर करते हैं। इस तरीके से ये कम्युनिकेशन का एक चैनल भी, प्रक्रिया भी बन जाती है। रेस्टेंट्स ऑन मैनेजर, यानी मैनेजर्स के ऊपर भी कंट्रोल नियंत्रित किया जा सकता है। इट आल्सो वर्क टू कंट्रोल द मैनेजर। हम मैनेजर की गतिविधियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं।
ए मैनेजर कैन नॉट इजिली इंटरफियर इन द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप। एक मैनेजर आसानी से ग्रुप की एक्टिविटीज को इंटरफियर नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द ग्रुप लीडर, जब तक कि उसके पास ग्रुप लीडर की परमिशन ना हो। बेटर रिलेशन, व्हेन मेनी पीपल वर्क टुगेदर दे हैव नेचुरली बेटर रिलेशन। जब बहुत सारे लोग साथ साथ कार्य करते हैं तो उनके बीच अच्छे रिलेशंस भी म्यूचुअली क्रिएट हो जाते हैं। तो बेटर रिलेशंस को भी हम कायम करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशंस के आधार पर। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, ग्रुप नेचुरली डेवलप सम नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर टू अचीव इट्स गोल। जब हम ग्रुप कम्युनिकेशन पर काम करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं तो हम कोई ना कोई एक रूल्स, ऐसे नॉर्म्स क्रिएट करते हैं अपने बिहेवियर में, उसी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। तो इस तरीके से नई नॉर्म्स भी हम डेवलप करते हैं। इसमें डेवलपिंग फ्यूचर प्लान, हम फ्यूचर प्लान को भी डेवलप कर सकते हैं। ग्रुप डज नॉट वर्क इन प्रेजेंट बट इट हैज आल्सो इट प्लान फॉर फ्यूचर। तो ग्रुप में लोग जब काम करते हैं वो केवल प्रेजेंट के वो आधार मान के काम नहीं करते बल्कि वो प्रेजेंट के आधार पर वो फ्यूचर की भी प्लानिंग। तो इस तरीके से हम ग्रुप कम्युनिकेशन में फ्यूचर प्लानिंग को भी डेवलप करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक ग्रुप कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा, इसका मीनिंग क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है ऑर्गेनाइजेशंस में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।